हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं अभी शाम का टाइम है और यहाँ किचन में आई हूँ चाय वगैरह बनाने। और अभी जो है ना, इस टाइम पे चाय बना रही हूँ और इसी टाइम पे आता है हमारे यहाँ पानी। और चलो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, पाइप लगा रखा है ना ये, तो पानी आता है इस टाइम पे 3 बजे से का आ जाता है। और हर तो यहाँ पे पानी भर रहे हैं और बैठे भी हैं, सब लोग बातचीत भी कर रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। और थोड़ी सी है ना लाइटिंग की प्रॉब्लम है इधर, क्योंकि पता नहीं फोकस यहाँ नहीं हो पा रहा। एक तो बल्ब बहुत ऊंचे ऊंचे लगे हुए हैं जिससे रोशनी नहीं होती। और देखिए, बर्तन मांजने हैं मुझे चाय पीने के बाद। मैं फटाफट से बर्तन वगैरह मांजेंगे और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो अब है ना सारा काम हो चुका है, जैसे पानी वगैरह का सारा काम हो गया है। और मौसम है ना, दो तीन दिन से वैसे ही बारिश वगैरह हो रही है। आप लोगों के भी यहाँ हो रही होगी, तो सब लोगों का कुछ ना कुछ खाने का मन हो रहा था। तो पापा जी सुबह भी कह रहे थे, तो आज पापा की फरमाइश पे बन रहा है ब्रेड पकौड़ा। तो आज उन्होंने कहा, तो फिर इन्होंने कहा हाँ यार बहुत दिन हो गए, चल बना ले फटाफट से। तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। मैं यहाँ कमरे में आ गई थी, मैंने कहा एक तो पंखा चल रहा होता है, गर्मी से थोड़ा सा ना उमस उमस सी महसूस होती है, मुझे सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। सो इस वजह से मैं यहाँ आ गई थी। मैंने कहा चलो बैठ के काम कर लेंगे यहाँ पर। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत यहाँ तैयारी कर लूँगी ना, तो फिर मुझे फटाफट फटाफट काम हो जाएगा। यहाँ बेटा भी परेशान कर रहा है कि आ गया है कि हाँ मम्मी नहीं मुझे करना है करना है। सो इसी वजह से तो मैं उसे ही कह रही थी कि मैंने कहा नहीं बेटा आपसे नहीं होगा ये, और फैला दिया था उसने। और ये आप एक ब्रेड पे देख रहे होंगे ऊपर जो आलू रखा है, तो वो सीन है रखा है कि नहीं मैं भी करूँगा। और जो बेटी है उससे शूट करा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है यार यहाँ ट्राईपोर्ट नहीं है, बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे व्लॉग करने बनाने में। तो सो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा अगर थोड़ी बहुत भी कमी हो तो। तो चलिए आज ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। और ये इसको कहते हैं हम चोखा, जैसे आलू को उबाल लेते हैं, उसमें धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सब मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे एक ना जीरे का तड़का लगा दें, तो हम इसको कहते हैं चोखा। क्योंकि एक बार मैंने बोला था तो सबने पूछा था कि चोखा क्या होता है, तो यही होता है। और अभी हमने इसको तड़का नहीं लगाया, सारा कुछ इसमें मिक्स कर लिया है। तो और मटर मिक्स कर सकते हो आप इसके अंदर, पनीर मिक्स कर सकते हो। अब वो था नहीं और यहाँ लॉकडाउन के वजह से ना कुछ मिल नहीं रहा है, सो जो था घर में उसी से हमने बनाया। और बहुत अच्छे बने थे ब्रेड पकौड़े, सच में बहुत ही अच्छे बने थे। सबसे बात क्या होती है ब्रेड पकौड़ों की, एक तो पिट्ठी होती है कि पिट्ठी स्वाद आनी चाहिए, दूसरी बात ये होनी होती है कि जब हम ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं उसकी लेयरिंग अच्छी आनी चाहिए, मतलब बेसन की जो लेयरिंग है ना वो अच्छी आनी चाहिए। तो वो बहुत अच्छी आई थी, वो इस वजह से आई थी। अब की बार मैंने एक ट्रिक की थी, क्योंकि मैंने ना वड़ा पाव बनाया था उसमें की थी, तो सो इस वजह से मैंने इसमें भी की। मैंने क्या किया, जब मैंने बेसन को घोला ना, तो बेसन के अंदर नमक डाला और मैंने थोड़ा सा चुटकी भर सोडा डाल दिया। सोडा डालने से क्या होता है ना, बेसन थोड़ा सा फूला फूला सा हो जाता है जब हम उसे घोलते हैं, और उसके वजह से है ना जो ब्रेड पकौड़ों पे लेयरिंग आती है बहुत अच्छी आती है, थोड़ी मोटी मोटी आती है। बेसन कम होता है बट दिखता वो बहुत मोटा मोटा है और बहुत अच्छी आती है। ये ट्रिक आप अपना के देखना, देखना आपके ब्रेड पकौड़े कितने अच्छे दिखेंगे भी और लगेंगे भी। और यहाँ पर है ना देखें, तेल गर्म होने रख दिया है मैंने, तो वही चेक कर रही थी कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। और जो थोड़े बहुत ब्रेड रखे थे उन पर भी मैं आलू की फिलिंग्स लगा रही थी, तैयारी कर रही थी किचन में। तो थोड़ा सा किचन को अवॉइड करना, ये अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग पता है मम्मी रहती हैं यहाँ पे, मम्मी को इस तरीके के काम नहीं आते कि भाई यहाँ पे वॉलपेपर लगा दो, ये लगा दो। अब मैं सोच रही थी, मैंने सर्च भी किया, मुझे वॉलपेपर अमेज़ॉन डिलीवर ही नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि मेरे एक प्रोडक्ट अटका भी पड़ा हुआ है उस पर। सो इसी वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी करूँगी। और अभी देखती हूँ मैं यहाँ कितने दिन रहती हूँ कितने दिन नहीं। यहाँ पे आज हेल्प कर रहे हैं ये और मदद कर रहे हैं, अच्छा लगता है ना जब खासकर हस्बैंड हमारे साथ हमारे कुकिंग में हमारी हेल्प करते हैं। तो आज ये सर्विंग में हेल्प कर रहे हैं, सो आप देखिएगा और मैं ब्रेड पकौड़े दिखाऊँगा आपको कैसे बने हैं। पापा
तो यहाँ पे देखिए ब्रेड पकोड़ा बिल्कुल तैयार है। अब ये सर्व करेंगे, तो इनका तरीका बहुत अलग होता है सर्व करने का हर चीज़ में। तो इन्होंने क्या किया है, ब्रेड को है ना बीच में से कट कर दिया है, जिससे बच्चे खाए कोई भी खाए तो आराम से खा सके। और मतलब क्या होता है ना, बड़ा खाते हैं बच्चे आधा छोड़ देते हैं, तो ऐसा इन्होंने कट कर दिया है। और दोनों कटोरियों में ये सॉसेस रख लेंगे, जैसे एक तो मीठी वाली रेड वाली और एक ग्रीन चटनी जो मम्मी ने सिलबट्टे पे पीसी है, वो बहुत टेस्टी होती है। सच में यार, मैं पहले यूँ ही सोचती थी सिलबट्टा क्या यार, मिक्सी में बढ़िया बनती है ये बनती है, पर है ना सच में सिलबट्टे की चटनी, मतलब एक दिन मम्मी ने सिर्फ धनिया और हरी मिर्ची पीस दिया और नमक डाला, वो चटनी भी इतनी टेस्टी लग रही थी। तो सच में यार सिलबट्टे की चटनी बहुत टेस्टी होती है, चाहे कुछ भी हो या ना हो, पर आप बना सकते हो। और हम मिक्सी की चटनी बनाते हैं ना, इतना आम ताम झाम करेंगे तब जाके उसमें टेस्ट आ पाता है। तो देखिए ये सॉन्ट है और इन्होंने कर दिया। अब मैं इनको रोक के बोल रही थी, यार एक बार मेरे व्यूवर्स को तो दिखा दो यार, है तो मैंने उनको रोका और ये अब देखिए वापस आए हैं कि लो मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए आप तो खा लीजिए, और इन्होंने अब अच्छे से दिखाया है। मतलब मुझे कभी कभी रहता है इनके मूड का कुछ ऐसा ही है, पर इन्होंने अच्छे से दिखाया। आप भी खा लीजिए, कैसे लगे मुझे जो बताइएगा। और इनके बाल कटने का राज मैं बताऊंगी, क्योंकि बेटा ज़िद कर रहा था मेरे कटे तो आपके भी कटने चाहिए। तो अगले दिन इन्होंने भी अपने बाल काट लिए बच्चे के लिए, तो होना चाहिए ना ऐसा कभी कभार। तो इसी वजह से इन्होंने भी अपने बाल काट लिए कि कोई बात नहीं, हम दोनों के साथ में आ जाएंगे। हाँ भाई, अच्छा है? तो सब खा रहे हैं, मम्मी अंदर बैठी हैं और सब बहुत बढ़िया तरीके से खा रहे हैं, सबने अच्छा बताया। तो चलिए अब मैं और बना लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे। बाय बाय एंड टेक केयर। कैसी लगी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा।